नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम एंड यू आर वाचिंग याना टेक। और आज आपके लिए क्या, ये जो सेट देख पा रहे हैं, ये एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर। तो ये इसका कटोरा, ये इसके ढक्कन, मतलब लीड, हम इस पर बात करने करेंगे आज, कि इस पर बात करके टाइम खराब करने से तो मतलब है। तो सीधे आते इसके मेन रूट पे, एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर। अब बोलूँगा सर्वगुण संपन्न तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, पर मेरे हिसाब से उतना भी ज़्यादा नहीं, पर प्राय प्राय गुण संपन्न। तो आज बात करते इस पर। तो ये जो जो देख पा रही है मिक्सर ग्राइंडर, बजाज प्लाटिनी, कोई सा भी चीज़ आप लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है। आपको जब कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो अच्छे कंपनी का होना चाहिए, तो ये बजाज कंपनी का है। बजाज मतलब जो इंडिया की नामी कंपनी है, टॉप क्लास जो कंपनी है, उसमें से एक कंपनी बजाज आती है। तो मतलब ये कंपनी के मामले में तो एक नंबर निकला, मतलब इसका ये जो गुण है ये अच्छा निकला। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट गुण के बारे में। तो अगला गुण जो आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए, भाई कोई सामान लेंगे तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ख़राब हो गया तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसकी वारंटी कितने दिन की वारंटी दे। प्राय प्राय कंपनी वाले जो वारंटी देते हैं वो कुछ कंपनी तो 6 महीने की, कुछ साल भर की, बस इससे पर देते नहीं है। पर बजाज कंपनी ने इस प्रोडक्ट के ऊपर सीधे सीधे 2 साल की वारंटी रखा। कितने दिन की? 2 साल की, जो सुनते इंसान को बिलीव नहीं होते, बट इस पर 2 साल की वारंटी है। अमेजन से लेंगे तो आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, अब दुकान से लेंगे तो कितने दिन की वारंटी मिलेगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अमेजन पर इसका 2 साल की वारंटी है। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट फीचर की। चलना भी तो चाहिए ना, सब कुछ ठीक है तो घूमना चाहिए, इसका रफ्तार होनी चाहिए। कुछ कुछ ब्रांड के जो मिक्सर ग्राइंडर रहते हैं उसकी जो रफ्तार होती है, इसमें 12,000 RPM, 1 मिनट में 12,000 बार घूमता है। सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि इसमें 14,000, किसी में 15,000, किसी में 18,000, बट इसके नीचे इसमें लिखा हुआ है 20,000 RPM। तो RPM के मामले में निकल गया ना सबसे आगे, तो मतलब इसमें भी ये इसका जो ये गुण है ये भी सर्वगुण संपन्न के बराबर हुआ, एक इसके ए क्लास क्वालिटी में आया। अब अगला चीज़ क्या देखेंगे इसका, इसकी वाटेज। चल वाटेज के बारे में बात करते हैं। तो वाटेज जिसकी जो वाटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी जो वाटेज है वो 500 वाट है। ये आपको लग रहा होगा 500 वाट बहुत कम है, बट 500 वाट कम बिल्कुल नहीं होता। घर के लिए 500 वाट बिल्कुल 100% सफिशियंट है। आप कोई 750 वाट, कोई 1000 वाट ले लेता है तो उसकी अलग बात हो गई, बट 500 वाट सफिशियंट होता है। इसमें कुछ भी पीस सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी, यहाँ तक हल्दी तक के लिए। अब हल्दी पीसेंगे तो जाहिर सी बात है यार, हल्दी पीसना हल्दी पत्थर के जैसा होता है, उसको पीसेंगे पीस तो देगा ये, पर ऐसे में ये मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है। तो आपकी संपत्ति है, आपकी सामान है, आपकी चीज़ है, तो ऐसा मेरे हिसाब से हल्दी वल्दी पीसना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब और क्या फीचर की बात करें, इतने सारे फीचर में तो ठीक रहा। अगला फीचर के बारे में बात करने से पहले एक बात और हो जाए कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो। एंड इसकी अगला फीचर की बात करते हैं, खरीदना कहाँ से, आप कौन सी शॉप में जाएंगे मुझे पता नहीं, पर दुनिया की सबसे बड़ी शॉप जो होती है वो है अमेजोन। अमेजोन पर ये 100% टाइम अवेलेबल है, तो आप इसके अमेजोन से ले सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। एंड इसकी जो डिलीवरी है वो भी फ्री है। सबसे अच्छी बात है कि इसको डिलीवरी आपको घर तक पहुँचा जाएगा, सामने वाला 1 रुपया आपसे लेगा नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। आपको इसकी इसका कीमत पे करना है। तो मैंने जब सर्च किया था इसका रेट कुछ 2290 रुपये था, मतलब रेट के मामले में भी ये अच्छा निकला, मतलब इसकी ये गुण भी एक नंबर का रहा। और अगला बात जो है कि पसंद नहीं आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन शॉपिंग मॉल से माल लेके आते, घर आने के बाद उनको पसंद नहीं आती, तो उसके ऊपर तो कोई उपाय नहीं होता, बट इसके उपाय है। यदि आपको ये प्रोडक्ट लाने के बाद 10 दिन तक मैक्सिमम हो गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है प्रोडक्ट, बेकार अपनी फैमिली के लिए छोटा पड़ रहा बड़ा पड़ रहा, तो फिर आप इसको ये रिप्लेस कर सकते हो, या तो रिप्लेस नहीं सॉरी सीधे वापस ही कर दो, पैसा मिल जाएगा आपको। तो इस मामले में भी एक नंबर रहा। और एक बात, जो मिक्सर ग्राइंडर लेंगे अपन किचन में रखेंगे तो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। कुछ कुछ मिक्सर ग्राइंडर तो जैसे ये ठीक है यहाँ तक का, इसके सामने से ये लंबा यहाँ आता, ऐसा ऐसा लगता है कि बच्चों का चेयर है, यहाँ बैठेंगे इसको टिकेंगे। बट ये लुक के मामले में आप देखिए, इसका फ्रंट लुक है, ये साइड लुक है, लुक के मामले में भी एक नंबर है। तो मतलब इसमें भी ये गुण अच्छा रहा। तो देखा जाए तो ये मिक्सर ग्राइंडर जो है ये सर्वगुण संपन्न बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा करने से कोई मतलब है नहीं। तो वीडियो आप लोग को यदि ठीक ठाक लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।